एबीवीपी द्वारा प्रदेश सरकार का विरोध किया जा रहा है। कवर्धा में हुए गैंग रेप मामले में जब इनके कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया तो उन्हें उल्टा जेल भेज दिया गया। इसी कवर्धा बलात्कार मामले के चलते आज 17 दिसंबर को एबीवीपी ने इस व्यापक स्तरीय विरोध प्रदर्शन को आयोजित किया है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पे है और काफ़ी आक्रोशित यहाँ सब दिख रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं हमें क्या कहना है। ये कार्यक्रम जो हो रहा है इसका अपन क्या चाह रहे हैं, इसका क्या चाहते हैं? आज हम जिस तरह से आंदोलन हमने कवर्धा में भी निकाला था, तो हमारा ये आंदोलन निकालने का ये है कि जिस तरह से रेप के केसेस जो छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे हैं, हर 3 घंटे में कोई ना कोई एक दो जो केसेस है वो आ रही है, तो इसे देखते हुए विद्यार्थी परिषद ने एक मुहिम छेड़ दिया है कि जो लोग इस तरह की जो हरकत करते हैं उनके लिए सख्त कानून बनना चाहिए, चाहे सरकार किसी के भी हो, लेकिन उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। बैरिकेडिंग को तोड़कर यहाँ पे एबीवीपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ गए। बैरिकेडिंग को तोड़ के एबीवीपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ गए हैं। क्या है और बहुत सी पॉजिटिव साजिश रच रही है। वो छात्रा जब तीन समाज में पुनः निकलती है तो वो देखती है कि उसके जो बलात्कार के आरोपी होते हैं वो खुलेआम समाज में घूमते हैं। वह फिर से हिम्मत दिखाती है, वह फिर से पुलिस अधीक्षक के पास जाती है, वो फिर से रिपोर्ट निकालती है, अन्य सामाजिक संगठन उनका समर्थन करते हैं और तब जाकर उसके केस का खुलासा होता है और उसके जो 4 मुख्य आरोपी होते हैं वो गिरफ्तार होते हैं। हमारा प्रश्न है वहाँ के पुलिस प्रशासन से, आपको किसने अधिकार दिया कि वह आप सरेआम एक जनजाति छात्रा को चरित्रहीन बताएं? आपको किसने ऐसा अधिकार दिया कि आपने उस छात्रा को सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से एक दुष्ट आरोपियों का साजिशकर्ता बताते हैं? इन्हीं सब चीज़ों को विरोध करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते हैं, लेकिन वहाँ का जो पुलिस प्रशासन होता है वो पुलिस प्रशासन वहाँ के आरोपियों को तो पकड़ता है, लेकिन जो वहाँ के पुलिस के जो एसपी होते हैं उनको दोषी मानते हुए विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई ना होकर विद्यार्थी परिषद के 35 कार्यकर्ताओं के ऊपर गिरफ्तारी होने का रिकॉर्ड दिखाया जाता है और 14 कार्यकर्ताओं को गैर जवाब के वारंट ताला लगा के सड़कों के पीछे भेज दिया जाता है और जिसके विरोध में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के रिहाई को मांगों को लेकर वो जो जनजाति नाबालिग छात्रा थी उसको जो सामाजिक रूप से साजिशकर्ता घोषित किया गया वो जो जांच के अधिकारी थे पुलिस यहाँ पे फिर से सीएम और उसका घेराव कार्यक्रम किया है। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम दिया चाहूँगा। एबीवीपी की महिला कार्यकर्ताएं हैं, ठीक है। अभी जो ये परिस्थिति हुई है, इस परिस्थिति में अभी आप लोग यहाँ पे इसके आगे क्या करने वाले हैं? हम पुरजोर जोर से कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल अंदर तक जा पाए और बिल्कुल जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद और कामना करते हैं। बाकी आप लोगों के पास रिजल्ट सामने आ जाएगा, इसके बाद भी हम आंदोलन जारी रखेंगे अगर पीड़िता को इंसाफ नहीं मिलता है तो। क्या भीड़ विधि विरोध घोषित की जा चुकी है? क्या भीड़ विधि विरोध घोषित की जा चुकी है? प्रदर्शनकारी तितर बितर हो जाए, अन्यथा गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग को भीड़ को गिरफ्तार करने का आदेश निर्देशित किया गया है। आप देख सकते हैं पुलिस विभाग को भीड़ को गिरफ्तार करने का आदेश निर्देशित किया गया है। भीड़ को गिरफ्त में लेने के बाद अब एबीवीपी के कार्यकर्ता की गिरफ्तारी हो गई है, पर फिर भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश कम नहीं हुआ है। स्पष्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रदर्शन का मामला बड़ा ही संगीन है और इस पर अब देखते हैं कि सरकार की क्या प्रतिक्रिया आगे होती है, सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, ये तो अब समय ही बताएगा। आप देख रहे थे बोल रायपुर, कैमरामैन हरीश के साथ तन्मय बख्शी।